हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर मैकेनिक्स। आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं, सुजुकी की कार का जो है एंटीना चेंज करना है। जो कार हमारी है वो है रिट्ज एंटीना, जो हम इसके अंदर लगाने जा रहे हैं। ये आप देख ही सकते हैं, जो हमारा स्टॉक एंटीना वो बिल्कुल खराब हो चुका है। इसके अंदर भी हमने थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है। एंटीना लगाने का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहेगा। एंटीना बदलने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी रूफ लाइट है ये बिल्कुल लॉक्स वगैरह अटके होते हैं, साइड पे स्क्रू ड्राइवर का यूज करके इसको नीचे फोर्स अप्लाई करके निकालना है। यहाँ पे लॉक जो हमारे हैं ऊपर फंसे होते हैं, एंड ये जो आप ऊपर देख सकते हो ये नट दिया हुआ है हमें, ये जो हमारा नट है 10 नंबर की जो टी पाना होता है उससे खुलेगा। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इजी है। इसकी जगह आप अगर चाहो तो शार्क फिन एंटीना भी लगा सकते हो। ये जो एंटीना चेंज करने का मेरा रीजन था कि आप देख ही सकते हैं इसकी हालत क्या हुई पड़ी है, ये टूटा हुआ है पता नहीं क्या रीजन से, ये हम चेंज करने जा रहे हैं। ये हमारा जो न्यू एंटीना, इसकी फिटिंग भी जैसे स्टॉक की थी वैसे हो जाएगी। ये इधर बिठा के इसको नीचे से हमने जो स्क्रू नट निकाला था उसको वापस से टाइट कर देना है एंटीने की वायर लगा के। एंड ये इसके ऊपर हमने ध्यान रखना कि एक हल्की सी वॉशल है, वो वॉशल का यूज ये है कि गाड़ी हमारी जैसे खड्डे में जाती है कि अगर हमारी कार खड्डे वगैरह में जाए तो ये नट लूज ना हो। एंड जो ये रबर की सील है ये इसलिए कि वाटर प्रूफिंग बनाई रखे, अच्छी तरह से टाइट हो जाए। नीचे से भी हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। एंड ऊपर हमारा जो एंटीना है, हमारी जो कार का एंटीना आप देख ही सकते हैं कितने इजी वे से हमने चेंज कर दिया। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाकी इसको हमने नीचे की साइड ही रखना कि लुक भी आए हमारी कार की। एंड अंदर से भी आप देख ही सकते हो सारी प्लेसमेंट जैसे थी वैसे हमने कर दी है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।